आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट दुगना कर रहा है। इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां अब पब्लिक टेंडर के जरिए रूस से तेल खरीदने की जगह निजी स्तर पर डील करने के प्रयास में है, ताकि कम दाम पर सप्लाई हो सके। वहीं रिफाइनरी कंपनियों और ट्रेडरों के मुताबिक भारत ने रूस से बीते दिनों सभी तरह का क्रूड खरीदा है। इसमें पश्चिमी देशों के पोर्ट से इंपोर्ट होने वाला फ्लैगशिप ग्रेड के यूरल क्रूड से लेकर सुदूर पूर्व के रेयर कार्गो यानी कि ESPO तक की खेप शामिल है। वहीं आमतौर पर चीन इस तरीके से रूसी तेल खरीदता है, अब भारत ने भी ये तरीका अपना लिया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने को हैं और इस बीच रूस पर पाबंदियों के चलते सप्लाई बाधित होने से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े तेल इम्पोर्टर सस्ते विकल्पों की तलाश में जुटे हुए हैं। रूस भारी डिस्काउंट पर भारत को क्रूड सप्लाई कर रहा है। ये तेल और सस्ता हो सकता है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के देशों पर इस बात का दबाव बढ़ा है कि वे रूस से इंपोर्ट घटाएं। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।